एलिवेटेड रोड को लेकर शहर में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको लेकर मैं पूर्व पार्षद अजय पोरवाल अपना पक्ष रखकर शहर की जनता को भाजपा की असलियत बताना चाहता हूं। इस एलिवेटेड रोड को पूर्व यूआईटी चेयरमैन शिव किशोर सनाडे ने 2008 में डीपीआर बनाई जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए। पहले इस रोड को सिटी स्टेशन को कोर्ट चौराहे तक बनाने की थी, पर डीपीआर में इस एलिवेटेड रोड को उदयपुर से शुरू कर कोर्ट चौराहे तक बनाने का प्रस्तावित कर दिया। लाखों रुपए खर्च कर बनाई यह डीपीआर रिपोर्ट कागजों में खो गई और इस पर किसी ने भी चर्चा नहीं की। दूसरी बार वर्ष 2014 में इसी भाजपा ने इस एलिवेटेड रोड को लेकर एलएनटी ने डीपीआर बनाई जिसमें भी लाखों रुपए खर्च किए। इस डीपीआर के विरोध में भाजपा समर्थित व्यापारी उच्च न्यायालय की शरण में चले गए और स्टे लेकर आ गई। इसके बाद यह मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। तीसरी बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उदयपुर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसी एलिवेटेड रोड के लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति ले आए और NHAI ने लाखों रुपए खर्च कर एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाई। इस डीपीआर को इंडियन रोड कांग्रेस ने तकनीकी कारण बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। चौथी बार निगम ने भाजपा बोर्ड ने लाखों रुपए खर्च कर अहमदाबाद की किसी एजेंसी से एक फिर से डीपीआर बनवाकर उच्च न्यायालय में पेश किया और एलिवेटेड रोड के बनाने के पक्ष में फैसला लेकर आए। इस एलिवेटेड रोड की कहानी 2008 से शुरू होती है। 2009 में नगर निगम चुनाव थे तो ये एलिवेटेड रोड का मुद्दा लेकर आए, चुनाव जीते और इसे मुद्दे को भूल गए, लाखों रुपए शहर की जनता के डूब गए। फिर से 2013 में इस एलिवेटेड रोड का मुद्दा फिर से उठाया और 2014 में नगर निगम चुनाव जीता और फिर से मुद्दा भूल गए। वर्ष 2022 में नगर निगम के तत्कालीन निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन ने पहले समिति की बैठक में इस एलिवेटेड रोड की मुद्दे को जीवित किया और समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित करवाकर प्रशासनिक समिति में इसे पारित करवाकर बोर्ड की बैठक में भी पास करवा दिया। तत्कालीन निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन ने वादा किया कि जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में खुद के खर्चे पर निगम के पक्ष में फैसला लाकर दिसंबर 2022 में एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करवा दूंगा। लगता है इनको विधायक के टिकट मिलने का पहले से ही संकेत मिल गया था। भाजपा ने ताराचंद जैन को जैसे ही शहर विधायक का प्रत्याशी बनाया तो उन्होंने कहा कि मैं एलिवेटेड रोड बनाने का प्रयास करूंगा। इसका पूरे शहर की जनता ने स्वागत किया। नगर निगम एलिवेटेड रोड के पक्ष में केस जीती तो भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर पारस सिंह भी इस एलिवेटेड रोड के विरोध में सड़कों पर आ गए और विरोध करने लगे। इसका कारण यह है कि नगर निगम ने पिछले सालों में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के बाहर व ब्रिज टाउन हॉल में हाथी वाला पार्क की पार्किंग, सूरज पोल चौराहे पर मैकेनाइज्ड पार्किंग और सूरज पोल का चप्पल चौराहा, हिरण मगरी के स्मार्ट रोड, गोवर्धन विलास स्मार्ट रोड, उदयपुर के वरिष्ठ इंजीनियर महापौर जीएस टाक के निर्देशन में बने प्रताप नगर, सेवाश्रम और ओवरब्रिज जो सभी फेल हो गए हैं। उदयपुर की जनता के करोड़ों रुपयों का विकास के नाम पर डुबाया है। स्वयं उप महापौर पारस सिंघवी ने एक निजी चैनल पर स्वीकार किया कि नगर निगम के ये सभी काम फेल हो गए हैं और करोड़ों रुपए शहर की जनता के डूब गए हैं। मेरा मानना है कि ये सब मुद्दे नगर निगम के आने वाले चुनाव में जनता भाजपा का विरोध नहीं करे इसके लिए अब फिर से एलिवेटेड रोड का मुद्दा लाया गया है। इसमें भाजपा का ही एक पक्ष इसका विरोध कर रहा है और एक पक्ष समर्थन कर रहा है और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। उदयपुर की जनता को नगर निगम के इस भ्रष्टाचार का जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देना चाहिए। जिस तरीके से इस बोर्ड ने भ्रष्टाचार किया है, इसको छिपाने की साजिश की जा रही है। मैं अजय पोरवाल एलिवेटेड रोड बनाने के पक्ष में हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलिवेटेड रोड के बारे में
भारतीय जनता पार्टी आने वाला चुनाव में जो बात कर रही है उनकी बीजेपी का काला सच है। एलिवेटेड रोड को लेकर शहर में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको लेकर मैं पूर्व पार्षद अजय पोरवाल अपना पक्ष जनता के सामने रख रहा हूं। इस एलिवेटेड रोड को पूर्व यूआईटी चेयरमैन शिव किशोर जी सन्नाडे ने 2008 में डीपीआर बनाई जिसमें लाखों रुपए खर्च हुए। पहले इस रोड को सिटी स्टेशन से कोर्ट चौराहे तक प्रस्तावित कर दिया गया, लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई डीपीआर रिपोर्ट कागजों में रह गई। इसकी चर्चा कई सालों तक किसी ने नहीं की। दूसरी बार ये इस योजना की डीपीआर 2014 में भाजपा ने एलिवेटेड रोड एलएनटी कंपनी को ठेका दिया, उसमें भी लाखों रुपए खर्च हुए। तीसरी बार इसका जो डीपीआर है वरिष्ठ उदयपुर शहर के पूर्व विधायक महामहिम साहब गुलाबचंद जी कटारिया ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से 400 करोड़ रुपए स्वीकृति कराकर एनएचआई को ठेका दिया। पर आपको और इन चारों की डीपीआर बनी उसमें एक बहुत बड़ी बात है, चारों डीपीआर को इंडियन रोड कांग्रेस ने फेल कर, बहुत बड़ी बात यह थी। हर चुनाव से पहले ये डीपीआर बनाते हैं। चौथी बार नगर निगम के भाजपा बोर्ड ने लाखों रुपए खर्च अहमदाबाद की किसी एजेंसी से डीपीआर फिर बनवाई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित व्यापारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाई कोर्ट में इस योजना के खिलाफ रिट लगा दी। इस एलिवेटेड रोड की कहानी 2008 से शुरू होती है और 2024 तक चली आ रही है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 2009 में नगर निगम चुनाव थे, भाजपा वाले एलिवेटेड रोड को मुद्दा लाकर चुनाव जीते पिछली बार भी और मुद्दे को भूल गए, लाखों रुपए उदयपुर शहर की जनता के डूब गए। वर्ष 2022 में नगर निगम में तत्कालीन निर्माण समिति के अध्यक्ष वर्तमान विधायक ताराचंद जी जैन ने इस मुद्दे को पूर्ण जीवित किया है। इस समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कराया प्रशासनिक समिति में और फिर साधारण सभा की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पास कराया और यह भी इस सदन को उस समय यह आश्वस्त किया था कि मैं हाई कोर्ट में मैं खुद अपने खर्चे से पैरवी कराकर उदयपुर की जनता के पक्ष में एलिवेटेड रोड का लाऊंगा। उसके बाद विधायक, मेरे को ऐसा लगता है कि ताराचंद जी जैन को भी पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने कह दिया कि आपको टिकट मिल रहा है, इसलिए चुनाव से पहले उन्होंने ये वादा किया था। उस चुनाव के बाद अभी खाली कोर्ट का केस ताराचंद जी जैन जीते हैं, इसके लिए उनको भी बधाई और धन्यवाद है, परंतु अभी तक कोई टेंडर नहीं हुआ है और नगर निगम के उपमहापौर और ने अपना झंडा निकाल दिया विपक्ष का। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जिस ढंग से पिछले चार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, स्मार्ट सिटी बनाई है, हिरण मंगरी की स्मार्ट सिटी की जो चर्चा हिरण मंगरी के लोग कर रहे हैं, गोवर्धनलाल की स्मार्ट सिटी का जो चर्चा कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, सूरतपोल चौराहे की हालत खराब है, मैकेनाइज पार्किंग की हालत खराब है, हाथी वाली पार्क की पार्किंग की हालत खराब है, इधर इन्होंने हॉस्पिटल के बाहर जो पार्किंग का ब्रिज बनाया उस पर एक आदमी आज तक नहीं चढ़ा है और एक 272 प्लॉट का जो मुद्दा है, इन सब मुद्दों पे इनको पता लग गया इस बार कि इस बार नगर निगम का चुनाव आने वाला है और जनता हमारे खिलाफ बोलेगी। उन सब मुद्दों को दबाने के लिए एक ने पक्ष लिया एलिवेटेड रोड का, दूसरा ने विपक्ष लिया है, सिर्फ उदयपुर की जनता को ठगने का नगर निगम के चुनाव से पहले की योजना है। ये सब मुद्दे नगर निगम में आने वाले चुनाव में जनता के भाजपा के विरोध नहीं करे इसके एलिवेटेड रोड का मुद्दा लाए, और मेरा ऐसा भी मानना है कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये एलिवेटेड रोड का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके आए। पर आपको एक इसके साथ भी मैं एक बात कह देता हूँ, हम सब जने बैठे हैं कांग्रेस समर्थित है, हम ये चाहते हैं कि उदयपुर शहर में एलिवेटेड रोड बने, हम इसके पक्ष में हैं, पर जहां भी किसी जगह कॉर्नर पे परेशानी आ रही है उसको दूर करते हुए ठीक करते हुए
उसको उदयपुर में जितनी ज्यादा ट्रैफिक की सुविधा बढ़े उसके लिए हम पक्ष में। धन्यवाद।